बीएमटी लॉ कॉलेज के समीप स्थित पूनम विवाह भवन में राजद शिक्षा प्रकोष्ठ के शिक्षकों बुद्धिजीवियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बुद्धिजीवी वर्गों के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया गया। इस समारोह में लेखक नलिन वर्मा के द्वारा लिखित गोपालगंज से मेरी राजनीतिक यात्रा पुस्तक का विमोचन भी किया गया। बताया गया कि इस पुस्तक में लालू यादव के सामाजिक समरसता पर किए गए कार्यों का उल्लेख है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ समाज में सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए राजद को कैसे मजबूत कर सकता है, इस पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया है। बैठक में जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास, जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव समेत कई नामचीन शख्स मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। आज जो बैठक हुई है पूर्णिया जिला के शिक्षक प्रकोष्ठ का, जो 2024 में जो पार्लियामेंट चुनाव होगा, लोकसभा की चुनाव होगी, उसकी में शिक्षक की क्या भूमिका होगी। शिक्षक की कोई संख्या बल नहीं होती है। एक शिक्षक प्रेमचंद जी हुए और दिनकर जी हुए थे, पूरे विश्व में कब्जा कर लिए थे अपने लेख के बल, अपने कविता और लेख के बदौलत। तो इतने शिक्षक, जितने विद्वान हैं, सैकड़ों शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे कोसी प्रमंडल के पार्लियामेंट चुनाव जो होगा, जो बीएमपी उम्मीदवार हम लोग होंगे, उसको जिताने के लिए कर्पूरी जी, लोहिया जयप्रकाश, अंबेडकर, कर्पूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा जो गरीबों, दलित, हरिजन एवं के लिए जो काम किया गया है, उसके लिए लोगों को जन जन तक, घर घर तक जाकर पहुंचाना है कि हम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी दलित के लिए क्या किए, गरीबों के लिए क्या किए, अल्पसंख्यक के लिए क्या किए, गरीबों के लिए क्या किए, गरीब उच्च वर्ग के लोगों के लिए क्या आरक्षण देने का काम किए, इसी बात को बताने के लिए शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। और उसी भूमिका के को हम लोग, मैंने बताने के लिए कि हम लोग अब तैयार हो जाए, रण क्षेत्र तैयार हो चुका है, फरवरी मार्च में चुनाव होने वाला है, उसी तैयारी के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया है। जी, बीजेपी वाले जिस तरह से कह रहे हैं कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मोदी जी ने दिया है, कभी कभी तो उनको मिलना चाहिए। कभी कभी हम जब रोड जाम हो जाता है, रोड जाम कर देता है लोग, और जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो जो माने अनुसरणकारी और चाहे जो प्रदर्शनकारी रहता है, उसकी बात को मानना पड़ता है। हम लोग आज से नहीं, कल नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, आए थे बिहार में, तो हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मांग किया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न की उपाधि मिलना चाहिए, और लोग उसको मजाक उड़ाए थे, और इतना ज़्यादा लोकप्रिय बढ़ता चला गया है, इतना हमारा डिमांड, हमारा जो मांग था, इतनी गहराई बढ़ती जा रही थी कि नरेंद्र मोदी सोचा कि नहीं देंगे तो हम, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और मजबूर होकर दिए हैं, उस बीजेपी का कोई क्रेडिट नहीं है। ये शिक्षक संघ का जो है, आपका बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है इसको, उसका ही एक कार्यक्रम था, उसका जिला अध्यक्ष आपका यहाँ का ये है उमा, और दूसरा नगर अध्यक्ष आपके हैं विजेंद्र, डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद यादव, आज उन्हीं के कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्होंने ही की है। और था क्या कि अभी सजगता अभियान उनका चल रहा है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का, जिसमें कि ढेर सारे अभी उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो कुछ को बटा है, कुछ बटना है, उसी के लिए आज वो लोग कार्यक्रम रखे थे। उसमें प्रदेश से भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, और उसी पर उसका वितरण होना था। सदस्यता अभियान में काम कर रहे हैं, अभी जितने आदमी को जोड़ा गया, ये न्यू को ही जोड़ा गया है, कितने आदमी को जोड़ा गया? आज 100 से ऊपर है। सर, नीतीश कुमार जी क्या कहता है का जो आ रहा है अभियान की बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? देखिए, वो नीतीश कुमार जी है, और नीतीश कुमार जी अब तक तो गए नहीं है, और ये कयास लगाया जा रहा है सभी को, और हमको तो अब तक उम्मीद नहीं लग रहा है कि उनको जाना चाहिए। और जाना, अगर जाते भी हैं तो जाने का भी उद्देश्य बताना भी चाहिए, आखिर जा भी रहे तो क्यों जा रहे हैं। हम लोगों की तरफ से तो आज तक तो उसके प्रति किसी तरह का व्यवस्था नहीं रखी, हम लोगों ने तो सम्मान दिया, सम्मान दे के भी रखे, अब जा रहे हैं तो कारण भी अगर बताएंगे हम लोग के सामने, तो ऐसा बात इस तरह की अभी आवाजें उठ रही है, अब तक गया नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस लेकर आया है CWG, कंपटीशन विद ग्रेजुएशन, एक ऐसा कोर्स जिसमें आप ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएट लेवल के कंपटीशन जैसे कि BPSC, बैंक, SSC, CDS,
कैट इत्यादि की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। जी हाँ, सभी एग्जाम की तैयारी अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा करवा दी जाती है, जिससे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठकर सफलता पा सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप किसी एक एग्जाम पर फोकस करते हैं, जबकि CWG के स्टूडेंट ग्रेजुएशन खत्म होने के साथ साथ पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, समय बचाते हुए अपने मंजिल तक पहुंचते हैं जिनकी उनको तलाश थी। तो आप भी करना चाहते हैं संपूर्ण तैयारी, तो ज्वाइन करें CWG कोर्स। एडमिशन ओपन, अगला बैच शीघ्र शुरू। आज ही संपर्क करें इग्नाइट क्लासेस, रंगभूमि मैदान, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पूर्णिया।